यहाँ बच्चों लगाएंगे इस सवाल को हम लगाएंगे, तो पहले जो है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस फाइव इजिकल टू सिक्स अपॉन सेवन, ये दोनों मैच कर रहे हैं। देखो इसका इसका भाग करोगे तो ये कट जाएगा, तो इससे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स प्लस फाइव, अब माइनस निकाल लो, यहाँ जाएगा एक्स माइनस वन, अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे एक्स प्लस फाइव, ब्रेकेट के पहले माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन अपान, इसका इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करो प्लस फाइव एक्स, फिर से इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स, यहाँ जाएगा माइनस फाइव इजिकल टू सिक्स अपान सेवन, ये एक्स माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइव एक्स सिक्स बटे एक्स स्क्वायर, और फाइव एक्स में एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, चार एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इजिकल टू सिक्स अपॉन सेवन, सिक्स से सिक्स कट गया आपका, इसको हम काट देते हैं तो वन वन बचेगा, आगे हल करते हैं तो यहाँ बचेगा आपका वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इजिकल टू वन अपॉन सेवन। अब यहाँ हम वन वन को भी काट देते हैं, पहले काट देना चाहिए था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इजिकल टू जीरो, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव माइनस सेवन इजिकल टू जीरो, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, एक्स स्क्वायर देखिए सिक्स टू जै ट्वेल्व और सिक्स टू गए फोर, तो यहाँ पर प्लस है ना, तो बड़ा वाला यहाँ प्लस रखो सिक्स एक्स, कम वाला माइनस टू एक्स रखो माइनस ट्वेल्व इजिकल टू जीरो, यहाँ फैक्टर कर लेंगे, यह आ जाएगा आपका एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस सिक्स आया, माइनस टू कॉमन ले लो एक्स प्लस सिक्स आया, फिर इसके बाद इनको एक कर देंगे एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर टू, यही दो वैल्यू आपकी आएंगी। धन्यवाद। अब ये सवाल हमारा एक्स प्लस टू बटे एक्स बराबर तीन, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ तक आ जाएगी, तो चल तो कर लेते हैं, एक्स गुणे एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस टू ऊपर है ये जो पूरी लाइन है यहाँ तक खींचेंगे, बटे एक्स बराबर तीन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो अब, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इजिकल टू थ्री एक्स, इसको हम इधर ले आते हैं है तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो, अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, देखो टू वन जा टू और टू में वन गया वन जोड़ोगे तो माइनस थ्री, दोनों माइनस कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, यस कॉमन लिया एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर जीरो, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस टू एक ब्रेकेट में एक्स माइनस वन एक ब्रेकेट में, अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स माइनस टू बराबर जीरो एक्स बराबर टू आ जाएगा, एक आंसर निकल आया, और दूसरा एक्स माइनस वन बराबर जीरो एक्स बराबर एक आया, यही दो आंसर हो जाएंगे। सेवन्थ सवाल देखिए पाँचवें का, एक बटे वो एक्स प्लस फोर एक बटे एक्स माइनस सात, हम इसका फिर उसी तरह से एक्स एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस फोर आ जाएगा एक्स माइनस सेवन आ जाएगा बराबर ग्यारह बटे तीस आ जाएगा, ये दोनों मैच कर रहे हैं ये ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस सात, अब पहले माइनस लगाएंगे तब हम इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स प्लस चार, ऐसे बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी माइनस वाले में, अब हम इस ब्रेकेट को खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस सात और ये माइनस में हो जाएगा एक्स, और ये भी माइनस में हो जाएगा माइनस फोर, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे इससे मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन एक्स, फिर उसके बाद प्लस फोर एक्स, फिर क्या हुआ फोर सेवन जा माइनस ट्वेंटी एट इजिकल टू ग्यारह बटे तीस हो जाएगा। इसके बाद जो है ये एक्स माइनस में कट जाएगा, ये एक्स भी कट जाएगा, सात चार ग्यारह माइनस ग्यारह और बटे एक्स स्क्वायर, और सेवन एक्स में फोर एक्स गए तो माइनस थ्री एक्स, अब माइनस ट्वेंटी एट इजिकल टू ग्यारह बटे तीस आया, ये भी आपका ग्यारह कट जाएगा है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स
माइनस 28 इक्वल टू 1/30 आएगा। अब ये जब हमारा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस लगा है ना, तो यहाँ माइनस आएगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, लेकिन जब इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 में 28 गए प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फैक्टर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। देखो 2 1 2 और 2 में 1 जोड़ोगे 3 क्योंकि दोनों माइनस में रहेंगे तभी जुड़ेगा। यहाँ पर हम जो है एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 2 आया, माइनस 1 कॉमन लो एक्स माइनस 2 आया बराबर 0। उल्टा गुणा करोगे तो आ जाएगा एक्स एक कम एक्स प्लस, ये प्लस है ये माइनस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों के ब्रैकेट में एक में कर दीजिए एक्स माइनस 2, बाहर वालों को फिर एक में कर दो एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा 2 और 1, यही आपका आंसर। हमें विश्वास है कि आप लोग आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद।